न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। खबर 2 बजे में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत बरेली से आ रही बड़ी खबर के साथ। मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन को जान से मारने की धमकी दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, समाजसेवी फरहत नकवी को जान से मारने की धमकी दी गई है। फोन कॉल कर जान से मारने की धमकी दी गई। अज्ञात लोग घर की रेकी कर रहे थे। फरहत नकवी ने पुलिस में तहरीर दे दी है और फरहत नकवी पर पहले भी दरअसल जानलेवा हमला हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फोन कॉल कर फरहत नकवी को जान से मारने की धमकी दी गई है। मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन है फरहत नकवी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, कब दी गई धमकी, कब का है ये मामला? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि फरहत नकवी को लगभग 2 दिन पहले ये धमकी दी गई थी। उसके बाद उन्होंने उस फोन को किसी शरारती तत्व की शरारती जान के उसको नजरअंदाज किया, लेकिन उसके बाद एक बंदा लगातार उनके घर की रेकी कर रहा था। जब उन्हें सीसीटीवी कैमरे को देखा और उसमें व्यक्ति घर में आता हुआ मुंह छुपा के घर में आया है, उसके बाद उनका जो सुरक्षा गार्ड था घर में वो उसको देख के चुपचाप बाहर लौट गया। पूछने के लिए कुछ नहीं बोला, वो वहां से भाग गया। इसके बाद फरहत नकवी ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने तहरीर दी और उसके जो फुटेज है वो भी निकलवाए जा रहे हैं और वो भी पुलिस को सौंपे जा रहे हैं कि आखिर कौन व्यक्ति है और किसने ये धमकी दी है। फोन पे आई धमकी और उनकी बेटी है, बेटी को भी जो है जान से मारने की धमकी, यहाँ तक कि उनकी बेटी को गैंगरेप करने की भी धमकी दी गई फोन पर। और ये कहा गया कि तुम 3 तलाक के लिए बहुत ज्यादा उछल रही हो और अब तुम नहीं उछल पाओगी, तुम्हें हम जान से मार देंगे, तुम्हारी हत्या कर देंगे और तुम्हारी बेटी के जी, साथ जी। मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन को जान से मारने की धमकी दी गई है। समाज सेवी है फरहत नकवी और 3 तलाक के मुद्दे को जोर शोर से उठाती है हमेशा।